तो संगवारी हो, आज हम लोग जानेंगे अपने ही राजा छत्तीसगढ़ के राजवंश के बारे में और उनके स्थापक के बारे में। तो संगवारी हो, अब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राजवंश थे और उनके स्थापक के नाम। तो संगवारी हो, छत्तीसगढ़ राजवंश और उनके स्थापक के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, राजतुल्य वंश। राजतुल्य वंश का शासनकाल छत्तीसगढ़ में 5वीं शताब्दी तक था। इस वंश का स्थापना सूर ने की थी। इसका प्रमाण आरंग ताम्र पत्र से मिलता है, जिसे भीमसेन द्वारा द्वितीय शासनकाल में बनाया गया था। ये गुप्त वंशों के अधीन थे। राजतुल्य वंश का राजकीय चिन्ह गजलक्ष्मी और राजधानी आरंग था, जिसकी राजकीय मुद्रा सिंह थी। राजतुल्य वंश के 4 शासक थे। पहला सूर, दूसरा दैत्य, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन। सूरा राजतुल्य वंश के स्थापक थे, इसी वजह से राजतुल्य वंश को सूरा वंश भी कहा जाता है। इस वंश की जानकारी इंडोग्राफी इंडिका से मिलती है। भीमसेन राजतुल्य वंश के अंतिम शासक था। इनके आरंग ताम्र पत्र से इस वंश की जानकारी मिलती है। इस ताम्र पत्र में गुप्त संवत का प्रयोग किया गया है, जिसकी तिथि 182 से लेकर 282 गुप्त संवत है। इस वंश का अंत पांडु वंश द्वारा किया गया, जिन्होंने 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी तक शासन किया। दूसरा, नवल वंश। नवल वंश का शासक छत्तीसगढ़ में 5 से 12 ईस्वी तक था। इस वंश का स्थापक वाराज थे। इनका शासन क्षेत्र बस्तर था। इनकी राजधानी बीजापुर था। इस वंश के प्रतापी शासक भद्देव वर्णवन हुए। इस वंश का अंतिम शासक नरेंद्र धवल थे। नल वंश के 11 शासक थे। पहला वाराज, दूसरा भद्देव वर्मन, तीसरा अर्थपति, चौथा स्कंदवर्मी, पाँचवा स्तंभराज, छठवां पृथ्वीराज, सातवां रुक्षपात, आठवां विलासुत, नौवां पृथ्वीयाग, दसवां भीमसेन, ग्यारहवां नरेंद्र धवल। नल वंश का निर्माण विलासतुग ने 1712 ईस्वी राजीव के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि पंचायती शैली का उदाहरण है। नल वंश का अंत सिकंदवंशी तथा पांडुवंशी द्वारा किए गए। तीसरा, सरफपुरी वंश। सरफपुरी वंश का शासनकाल 775 से 500 तक था। इस वंश की स्थापना सरफ ने की थी, जिसकी राजधानी सरफपुर, उपराजधानी श्रीपुर थी। इस वंश को अमरज कुल भी कहा जाता था। इस वंश का शासक गुप्त अधिसत्ता स्वीकार करते थे। सरफ ने सरफपुरी वंश की स्थापना की, जिसका उल्लेख भानुगुप्त के इरड़ शिलालेख में है। सरफपुरी वंश के 4 शासक थे। पहला सरफ, दूसरा नरेंद्र, तीसरा सुखदेव, चौथा परसोराज। इस वंश की समाप्ति पांडु वंश द्वारा किया गया। चौथा, पांडुवंश। पांडुवंश की स्थापना उदयन ने की थी। इस वंश का शासन 6वीं से लेकर 7वीं तक रहा। इसकी राजधानी महानदी के तट पर स्थित श्रीपुर थी, जो कि वर्तमान में सिरपुर है। पांडुवंश मध्य भारत के 2 पांडुवंशी शासक थे, पहला मैकल, दूसरा उदयन। उदयन को पांडुवंश के स्थापक भी माने जाते हैं। पांडुवंश के प्रमुख शासक नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला उदय, दूसरा इंद्रबल, तीसरा त्रिदेव, चौथा रानी वर्षा, पांचवा महाशिव गुप्त। पांडुवंश की समाप्ति किसने किया, इसका अभी तक मेरे को कोई जानकारी नहीं मिला। पांचवा, सोमवंश। सोमवंश का शासन छत्तीसगढ़ के कांकरे राज्य में 1125 ईस्वी से लेकर 1344 ईस्वी तक था। सिंहराज इस वंश के स्थापक थे। माना जाता है कि सोमवंश पांडुवंश की एक शाखा थी, जो कालांतर में सोमवंश का रूप लेकर कांकेर में स्थापित की गई। सोमवंश के प्रमुख शासक के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला वेव राजराज, दूसरा सिंहराज, तीसरा कड़कराज, चौथा जैतराज और पांचवा चंद्रसेन देव। इस वंश की समाप्ति किसने की, इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। छठवां, फणिक नांग वंश। छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में नांगवंशी शासकों का शासक था। इन्हें फणिक नांग वंश भी कहा जाता था। इनकी दुहती अहियोम जदक्कड़ ऋषि की कन्या मिथिली को मानते हैं, जिस वजह से इस वंश को अहिमिथिला वंश भी कहा जाता है। इस वंश के स्थापक अहिराज थे। फणिनांग वंश के प्रमुख शासक के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला अहिराज, दूसरा गोपाल देव, तीसरा रामचंद्र देव, चौथा मणिंग देव। इस वंश की समाप्ति कैसे हुई, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। सातवां, छिदक नांगवंश। छिदक नांगवंश की स्थापना नीरपति भूषण ने की थी। इनके शासनकाल 10वीं से लेकर 1313 तक था। जिनकी राजधानी भगवतीपुरी थी। छिदक नांगवंश का शासन क्षेत्र बस्तर था। बस्तर के प्राचीन नाम के संबंध में अलग अलग कई मत हैं। कई चक्रकूट कहते हैं, कई ब्रह्मकूट कहते हैं। नांगवंशी राजा इसी चक्रकूट या ब्रह्मकूट में राज करते थे। छिद्र नांगवंशी शासकों के नाम कुछ इस प्रकार है। पहला नीरपति भूषण, दूसरा धारावर्ष, तीसरा मधुरातक देव, चौथा सोमेश्वर देव, पाँचवा कतेर देव,
छठवां हरिश्चंद्र देव इस वंश की समाप्ति कार्तिकीय वंश ने किया था। आठवां कलचुरी वंश रतनपुर शाखा। त्रिपुरी के कलचुरियों ने 9वीं सदी के अंत में अपनी शाखा की स्थापना करने का प्रयास किया। इस समय इसकी राजधानी कुमार था जिसका स्थापक कलिंग राज थे। रतनपुर शाखा के प्रमुख शासक के नाम इस प्रकार हैं। पहला कलिंग राज, दूसरा रतनराज, तीसरा पृथ्वी देव, चौथा जजावल देव, पाँचवा रतन देव, छठवां जातक देव, सातवां परतमल, आठवां वारसाय, नवां कल्याण साय, दसवां राज सिंह, ग्यारहवां रघुनाथ। इसका समापन किसने किया अभी तक मेरे को कोई जानकारी नहीं मिला है। नवां कलचुरी वंश रायपुर शाखा। रायपुर लहोरी शाखा की स्थापना केशवदेव ने की थी परंतु कलचुरी शासक में रतनपुर शाखा के शासकों को ज्यादा प्रभाव डालता है। रायपुर शाखा के प्रमुख शासक के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला केशवदेव, दूसरा लक्ष्मी देव, तीसरा सिंहदेव, चौथा रामचंद्र देव, पांचवा ब्रह्म देव राय। इस वंश की समाप्ति कैसे हुई इसकी कोई जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है। दसवां काकतीय वंश। काकतीय वंश की स्थापना अमरदेव ने की थी जिसकी अवधि 1324 से लेकर 1961 तक था। इसकी रानी मधुता और बस्तर था। काकतीय वंश का स्थापना अमरदेव ने किया था। इसका संबंध तेलंगाना के काकतीय वंश से था। छत्तीसगढ़ में इसकी आरंभिक राजधानी मधुता थी। इस वंश का शासक पुरुषोत्तम देव ने बस्तर अपनी राजधानी बनाई। इस वंश की प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की एकमात्र पहली महिला शासक थी। काकतीय वंश के राजवंश के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला अमरदेव, दूसरा हमीरदेव, तीसरा भैरवदेव, चौथा पुरुषोत्तम देव, पाँचवा जय सिंह देव, छठवा नरसिंह देव, सातवां प्रताप देव, आठवां जगदीश देव, नवां वीर नारायण, दसवां वीर सिंह देव, ग्यारहवां राजपाल देव, बारहवां दलपत देव, तेरहवां अजमेर सिंह। इस वंश की समाप्ति हलवा विद्रोह द्वारा किया गया। ग्यारहवां मराठा काल शासक। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन 1741 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी तक था। 1721 ईस्वी में नागर भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर एवं रायपुर से कलचुरी शासन को समाप्त कर मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। मराठों का शासक 1757 ईस्वी में स्थापित हुआ और भीमाजी भोसले ने रतनपुर के प्राचीन राजमहल में प्रवेश कर छत्तीसगढ़ के शासन की बागडोर को अपने हाथ में संभाली। मराठा काल के शासकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला भोसले शासन, दूसरा सूबा शासन। मराठा काल शासन की समाप्ति दलहोज जी ने हड़प नीति के द्वारा मराठा शासक का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करा दिया। बारवां पाली का बाण वंश। बाण वंश ने छत्तीसगढ़ में 9वीं शताब्दी तक पाली क्षेत्र में शासन किया। बाण वंश का स्थापक मलदेव ने किया था। बाण वंश के दो राजा थे, पहला मलदेव, दूसरा विक्रमादित्य। बाण वंश का अंत कलचुरी शासक द्वारा किया गया। तो संगवारी हो, छत्तीसगढ़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।